श्रीमद्भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 8। न ही प्रपश्यामि ममापनु द्याद् जचोकमुच्छसणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन मृद्ध राजंसुराणामपि चाधिपत्यम्। ए जेउं दुख मोर इंद्रियमानंकु शुष्क करिदेउछि ताहा दूर करिवार कौनसी उपाय मु देखिपारु नाही। स्वर्गर देवता मानंक परी एक अप्रतिद्वंदी साम्राज्य जदि मु ए पृथ्वी रे लाभ करि तथापि मोर ए शोक जे दूर हेब ताहा मु देखिपारु नाही। भावार्थ धर्मनीति शास्त्र विधि एवं नैतिक आचरण आदि कथा कही अर्जुन नाना प्रकार युक्ति बाढ़ तथापि जना पड़ूला जे एसबू सत्य से तांकर गुरु भगवान श्रीकृष्ण सहायता बिना प्रकृत समस्या समाधान करना जो समस्या बर्तमान देखा जाकि समग्र स्थित शुष्क कर समस्या समाधान निमित्त तथाकथित ज्ञान वृथा अटे। से जो ज्ञान लाभ कर समस्या मानकर समाधान निमित्त कौन सी काम आसुना एक भल रकम जापे जे कृष्ण भे गुरु बिना सहायत ए व्याकुता परिपूर्ण समस्या मानकर समाधान करने को से अक्षम तथाकथित विश्वविद्यालय शिक्षागत ज्ञान पांडित्य उच्च पदवी आदि जीवन समस्या मानकर समाधान कर आद सहाय नुहति एगुड़िक सब वृथा अटे। कृष्ण भली एक गुरु ठारू केवल एथि निमित्त सहायता मिल पाए तेणु यही सिद्धांत एथिरु मिलुछि जे जेउ गुरु संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील से ही प्रकृत गुरु अटंती कारण से जीवन समस्या मानक समाधान करें। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते जे कृष्ण तत्व दे बेता अर्थात से कृष्ण विज्ञान जानती से जहाँ किसी हूँ ना कहीं से ही प्रकृत गुरु अटंती कि विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय जेई कृष्ण तत्व बेता से गुरु भय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 8:28 जाए आसे नाही। गुरु विप्र हो पारती अर्थात वैदिक ज्ञान लाभ कर पंडित हो पारती किंबा शूद्र परिवार रे जन्म लाभ कर पारती किंबा सन्यास हो पारती से जदि कृष्ण तत्ववेता होती अर्थात कृष्ण विज्ञान भल रकम जानती से प्रकृत उपयुक्त गुरु अटंती तेणु जे कृष्ण तत्ववेता नुहंती अर्थात कृष्ण विज्ञान जानती ना से उपयुक्त गुरु नुहंती एक वैदिक साहित्य कहुई षट कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुन् स्वाद वैष्णव स्वपचे गुरु अर्थात जड़े ब्राह्मण खूब विद्वान बा पंडित हो पारे समस्त प्रकार वैदिक ज्ञान रे खूब दरंदर हो पारे किंतु से जदि वैष्णव नुहंती ता हाँ हेले से गुरु हो पारे ना अर्थात से जदि कृष्ण विज्ञान रे धुरंधर नुहंती से गुरु हो पारे ना किंतु ए नीच कूल जात व्यक्ति जदि वैष्णव होता है अर्थात कृष्ण विज्ञान जानी थाए से गुरु हो पार पद्मपुराण रे वर्णित भौतिक स्थितिर समस्या मान है जन्म मृत्यु जरा और बाध्य धन संग्रह बा आर्थिक उन्नति बल रे तुम्हें माने ए समस्या मानकर समाधान करि परिबो नाही। पृथ्वी रे अनेक स्थान रे अनेक देश रे तुम्हें माने देखि परिबो जे देश मानकर धन संपद रे अभाव नाही जीवन रे सुख सुविधा रे अभाव नाही से गुड़िक बड़ समृद्धिशाली देश तथापि तुम्हें माने देखिबो जे सेरे भौतिक स्थिति रे सब समस्या मान रही छि से विभिन्न प्रकार शांति पाइबा चेष्टा कर शांति अन्वेषण करदी से कृष्ण उपदेश ग्रहण कर भगवत गीता और श्रीमद्भागवतम दि जाइए उपदेश ग्रहण करती कारण कृष्ण विज्ञान ए ग्रंथ मानक उपलब्धि होती किंवा कृष्ण जे उपयुक्त प्रतिनिधि अर्थात एक कृष्ण भक्त व कृष्ण चेतनाशील व्यक्तिर उपदेश ग्रहण कर तदाजायी अनुचरण करें शांति पाई जदि आर्थिक उन्नति एवं भौतिक सुख संपद व्यक्तिर पारिवारिक सामाजिक जीवन अर्थ आंतर्जातिक दुख दुर्दशा दूर करता समस्या मानक समाधान करर्जुन कह कहीं यहपरी कही था पृथ्वी एक अप्रतिद्वंदी
ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଦେବଗଣ ସୁଲଭ ଆଧିପତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥା। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧିକାର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବିଭୀଷିକାର ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଏ। ଏପରିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଏବଂ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏସବୁ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଶ୍ଚନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଅଛି, କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଲୋକମ୍ ବିଶନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗର ଚୂଡ଼ା ଦେଶରୁ ଜୀବନର ନୀଚତମ ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନର୍ବାର ପତିତ ହୁଏ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅଧୋପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅଧୋପତନ କେବଳ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ବାକ୍ୟୁଳତା ହିଁ ଆଣିଦିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ବ୍ୟକଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ମାର୍ଗ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ।